संपूर्ण राज्य में इस समय लगभग बड़ी मात्रा में विभिन्न विभागों में शामिल कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करे इस मांग के साथ अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और ऐसे में महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संगठना द्वारा आंदोलन में शामिल होने पर इसका असर रुग्ण सेवा पर पड़ रहा है। इस समय संपूर्ण राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी हड़ताल में हैं। वहीं जिला सरकारी अस्पताल में कार्यरत महाराष्ट्र राज्य परिचारिक संगठना के अंतर्गत आने वाली परिचारिकाएं भी हड़ताल में हैं और उनकी हड़ताल के चलते इसका काफी असर दिखाई दे रहा है और ऐसे में इस हड़ताल में शामिल आंदोलनकारियों ने क्या कहा, अब स्वयं सुने उन्हें जुबानी। महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना शाखा चंद्रपूर इथली अध्यक्ष भाग्यश्री गिडा। आज आमचा संपाचा 5वा दिवस आहे। आम्ही लगातार 5 दिवसापासून संपावर आहे तरी अजून गव्हर्नमेंटने काही असा म्हणजे निर्णय घेतलेले नाही। त्यांनी आम्हाला वेळ मागितला 3 महिन्याचा, पण आम्हाला जोपर्यंत लिखित मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही हा संप मागे घेणार नाही आहे। 1 नोव्हेंबर 2005 पासून जी आमची पेन्शन बंद झाली आहे ती अजूनही चालू केलेली नाही आहे। ते आता जोपर्यंत चालू होणार नाही तोपर्यंत हा संप बेमुदतपणे चालू राहणार आहे।